हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सिर्फ हिमांशु, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट है दिल्ली NCR में, IPU से एफिलेटेड है। आप लोग अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों ने विप्स का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में रहता ही है। वैसे मैंने पहले भी विप्स पे वीडियो बनाई हुई है, बट ये वीडियो स्पेशली टोटल सीट्स के बारे में है कि इसका जितने भी स्ट्रीम वाइज में टोटल सीट्स डिवाइड करने वाला हूं। साथ ही जो इन डिटेल्ड इनकी फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट के बारे में बातें हैं वो भी करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ एक काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, अगर हम बात करें दिल्ली NCR की। ठीक है, दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है पीतमपुरा के एरिया में, पीतमपुरा लोकेशन है इसकी। एंड काफ़ी अच्छा इसका कैंपस एरिया 5 acres में फैला हुआ है, 1997 में स्टैब्लिश हो गया था। अगर बात करें एफिलिएशन वगैरह की, तो देखो IPU यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलेटेड है, जो कि सबसे ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है। एंड साथ ही AICTE BCI से भी अप्रूव्ड है। और इसके अलावा आगे बढ़, मतलब इसमें कोर्सेज तो लो भी कराए जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको मतलब BTech के भी कोर्सेज, बट इस वीडियो में हम सिर्फ BTech के बारे में बातें करने वाले हैं। वैसे मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसमें मैंने फीस और एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट को इन डिटेल समझाया है, यहाँ की रैंकिंग को भी समझाया, बट इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ की टोटल सीट के बारे में। बट फिर भी एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ के जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं उस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इनकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और टॉप मोस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में जैसा मैंने बताया वो रहता ही है। अब मैं बात करूँ अगर जो मुद्दा आज का है वो है टोटल सीट के बारे में, तो देखो BTech AIML में जो यहाँ पे टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो है 118 सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, एंड 162 बाकी फिर आपकी यहाँ पे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स बची हैं। अब देखो मैनेजमेंट कोटा में जो टोटल सीट्स होते हैं वो 85% आपकी स्टेट डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके लिए ही रहती है। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि भैया हम लोग तो नोएडा से, गुड़गांव से हैं, तो दिल्ली NCR में आता तो क्या वो सीट्स मतलब एलिजिबल है, क्योंकि स्टेट डोमिसाइल तभी लागू है जब 12th आपकी सिर्फ दिल्ली से हुई है, तभी आपका वो लागू होता है, अदरवाइज नहीं होता है। BTech IIoT के बारे में, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपकी स्ट्रीम है उसके बारे में टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं, 6 मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, 54 आपकी बाकी बचती हैं। ठीक है, एंड BTech AIDS के बारे में बात करते हैं, 120 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, 12 आपकी मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, एंड बाकी 108 जो टोटल सीट बची हैं आपकी वो बचती हैं नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड BTech कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, 180 टोटल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 18 सीट्स मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, 162 बाकी आपकी टोटल सीट्स बचती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसके बाद BTech इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं, 6 सीट्स आपकी बचती हैं मतलब मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, 54 आपकी सभी स्टूडेंट्स के लिए बचती हैं। BTech कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, 120 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, 12 सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, 108 बाकी बचती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ BTech CSE साइबर सिक्योरिटी की, तो टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं, 6 सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा एंड 54 बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये होगी आपकी टोटल सीट्स के बारे में बातें, टोटल सीट्स इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड है। आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ की जो फीस रहने वाली है, 4 साल का आपका BTech का पूरा कोर्स होता है, 1.53 lakh पर ईयर आपके यहाँ पे फीस रहने वाली है। स्टार्टिंग वाले ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में आपको मिसलिनियस चार्जेस, एडमिशन चार्जेस एंड सिक्योरिटी फीस अलग से पे करनी होती है, बाकी आपसे कोई किसी भी साल एक्स्ट्रा का जो भी एक्सपेंस है वो नहीं लिया जाता। एंड हाँ, हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो उसके एक्सपेंसेस अलग होते हैं। देन अब मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो PCM में आपके 55% से वो मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपका इससे एडमिशन नहीं हो पा रहा है यानी PCM में 55 नहीं है, तो आपको PM यानी फिजिक्स मैथ्स के साथ केमिस्ट्री की जगह आप कोई और दूसरा सब्जेक्ट्स ऑप्शनल में ले सकते हैं, फिर 55 हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड एडमिशन आपका वही पता है, आपको JEE मेंस के थ्रू ही होना है। अब दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि भैया कट ऑफ एंड कट ऑफ वगैरह के बारे में जानना है, तो यार देखो पिछली वीडियो में मैंने इन डिटेल आपको कट ऑफ बताई है, तो वो एक बार आप जाके देख सकते हैं। एंड कट ऑफ वगैरह अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है, आपको करना है गेट एडमिशन का अप्रोच, क्योंकि आपको पता ही है यार गेट एडमिशन आपके हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार जो स्क्रीन पर नंबर है ना, इस पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल करके भी अपने क्वेश्चन या फिर अपने एडमिशन से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। तो इन
शॉर्ट आपको करना क्या है, सिर्फ कॉल करना है गेट एडमिशन को एंड अपना एडमिशन बुक कराना है अपने फेवरेट कॉलेज में, तो गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करेगा आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ की प्लेसमेंट वगैरह के बारे में। तो देखो इनका एवरेज पैकेज 7 to 8 lakh तक रहता है, 20 lakh तक अभी तक इनका हाइस्ट पैकेज गया है बीटेक के लिए। तो ये है इनका कुछ प्लेसमेंट वगैरह, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चीज़ें सारी देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं एडमिशन कहाँ लेना है, किस कॉलेज में आपको वो स्ट्रीम मिल जाती है जो आपकी फेवरेट है। एंड अगर मैं बात करूँ अब यहाँ की बाकी सारी यानी स्कॉलरशिप वगैरह आपको चाहिए तो वो भी मिल जाती है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी किस किस में आते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ की नॉर्मल फैसिलिटीज़ लाइक लाइब्रेरी, कैंटीन, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, एसी क्लासरूम, जिमनेजियम, हॉस्टल फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। एंड आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी अपने एडमिशन के लिए आप गेट एडमिशन को कॉल कीजिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।